46 प्रवासी मजदूर और जरूरतमंद मजदूरों को निशुल्क राशन वितरित किया गया, जिसमें कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया गया। राया ब्लॉक में 30 प्रवासी मजदूरों को राशन वितरित किया, जिसमें 25 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो तेल, 2 किलो मलका दाल, 2 किलो अरहर दाल, 1 किलो नमक, 1 लीटर सैनिटाइजर, 1 सैनिटरी पैड, 500 ग्राम मिर्च, 2 किलो चीनी, 250 ग्राम हल्दी, 5 डिटॉल साबुन, 20 मास्क आदि जरूरतमंद राशन वितरित किया। इस मौके पर MRC प्रोग्राम से जिला समन्वयक दीपक पाठक ने प्रवासी मजदूरों को हेल्पलाइन नंबर 1800200011 और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मजदूरों को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया, साथ ही सरकार के द्वारा चलने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें राशन कार्ड, पेंशन, मनरेगा आदि योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बिचपुरी चौकी इंचार्ज अमरपाल सिंह, अबरवल सिंह, संतोष कुमार मौजूद रहे, साथ ही जन साहस टीम विजय मुन्नालाल, देवेश अमरकांत आदि की भागीदारी रही। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जी दिलीप पाठक जी, बताइए आप जो आपने राशन जो बांटा है वो किस के तहत बांटा गया है? जी ये जो राशन बट रहा है हमारी एक सामाजिक संस्था है जनता सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, उसके माध्यम से हमने मथुरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों में गांव गांव जाकर के और हमने जो ऐसे प्रवासी मजदूरों का चयन किया जो कोविड में बाहर से लौट के आए और उनको आई थिंक कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, रोजी रोटी खाने के लिए उनके आगे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे लोगों प्रवासियों को हमने चयन करने के बाद में उनको ये राशन किट दी गई है, जिस राशन में हमारी तरफ से ये 25 किलो आटा है, 10 किलो चावल है और आपके 2 किलो सरसों का ऑयल है, 2 किलो अरहर दाल, 2 किलो मलका दाल, आधी किलो मिर्ची, 250 ग्राम हल्दी, धनिया और आपके 5 लग साग में और 1 लीटर सैनिटाइजर है और 20 मास्क हैं और ये जो एक अच्छा कितने लोगों को बांटा गया आज? ये इस तरीके से हम लोग पूरे आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रेजेंट में जो हम 146 यानी कि 140 मजदूरों को ये राशन देने वाले हैं। अभी हमने आपके ब्लॉक में यहाँ पर अभी 30 मजदूरों को दिया, 30 मजदूरों को।